और एट में हम लोग, आपका तो एट का फर्स्ट चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है, सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ मैटर है सिलेबस बुक में। सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नेचर ऑफ मैटर, क्लियर? सेवन्थ में है। और एट में फर्स्ट चैप्टर कौन है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आज हम लोग ज्वाइंट क्लास कर रहे हैं, तो इस ज्वाइंट क्लास में केमिस्ट्री का क्लास में आपका एडवांस क्लासेस चल रहा है। और इस एडवांस क्लास में फर्स्ट चैप्टर कौन सा ले रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करने के पहले कुछ पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर बोला जाए आपको कि मैटर क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मैटर? देखो, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का नाम क्या है? मार्कर है। इस मार्कर को हमने तराजू पे वेट किया तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी वजन होगा इसका वेट होगा, वजन होगा कि नहीं होगा? तराजू पे तोलेंगे तो वजन मिलेगा इसका। और जितना इसका शेप है इतना ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर किसे कहेंगे? तो मैटर वह सब्सटेंस होता है जिसका खुद का अपना मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई कैपेसिटी होता है। हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? मैटर के नाम से जानेंगे। मैटर किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस हैविंग ऑन मास एंड कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑफ यूनिवर्स नोन एज मैटर। यानी वह सब्सटेंस जिसका खुद का अपना वजन होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता होती है, हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब देखो, कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। शुगर क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। वाटर क्या फॉर्मूला होता है? H2O। ऑक्सीजन गैस क्या फॉर्मूला होता है? ये सारे के सारे मैटर हैं कि नहीं है? कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज और शुगर, ये कैसा मैटर है? सॉलिड है। वाटर कैसा मैटर है? लिक्विड है। और ऑक्सीजन गैस है। तो ये सारे के सारे मैटर जो बने हुए हैं, सोडियम क्लोराइड किसका बना हुआ है? सॉरी, कॉमन सॉल्ट किसका बना हुआ है? सोडियम और क्लोरीन का। ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। शुगर में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब है ये जो मैटर जो है, ये मैटर किस चीज़ के बने हुए हैं? ये सब हैं क्या? एटम्स है ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स ऑफ एलिमेंट का बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर किस चीज़ का बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स का मतलब बना हुआ है। तो मैटर जिस चीज़ का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स के नाम से जानते हैं। मैटर किस पार्टिकल का बना हुआ है? ये सारे के सारे क्या हैं? एटम्स हैं, आयंस हैं, या नहीं तो क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रहे हैं ना? कॉमन साल्ट बना हुआ है Na+ Cl- आयन का।
ये एटम के बने हुए हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल हैं, ये सब मॉलिक्यूल आ जाते हैं, यानी सारे के सारे तो एटम के बने हुए हैं ना। एटम ही किस में कन्वर्ट होता है, आयन में, और एटम ही किस में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल में। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कौन हो जाएगा, एटम हो जाएगा ना जी। एटम ही किस में कन्वर्ट हुआ, और एटम ही किस में कन्वर्ट हुआ, तो दैट मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर इज आर क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत है समझने में? अब एटम के बारे में किसने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन फिलोसोफर इंडियन फिलोसोफर फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक होता है, इंडियन फिलोसोफर जिसका नाम है, राइट करना बंद करो, जिसका नाम है महर्षि कांदा, महर्षि कांद इंडियन भारतीय फिलोसोफर थे। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, मैटर इज कंसिस्ट बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नोन एज परमाणु। उन्होंने क्या बोला कि मैटर जो बने हुए हैं इतने छोटे कण के बने हुए हैं, और उस कण को क्या बोला गया, परमाणु। समझ में आ रहा है ना, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। एंड ए लॉट ऑफ परमाणु फॉर्म्स अणु, जब कई परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण। अणु किसको बोला गया, मॉलिक्यूल को, और परमाणु किसको बोला गया, एटम को बोला गया। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बोला था, महर्षि कांदा, समझ में आ रही है ना। उसके बाद सेकंड आते हैं डाल्टन साहब, डाल्टन, जॉन डाल्टन का नाम सुने हैं, जॉन डाल्टन कहते हैं एटम को एटामोस, एटामोस कैसा नाम है, ग्रीक नेम है। अब इस ग्रीक नेम का इंग्लिश वर्जन क्या होता है, एटम होता है। समझ में आ रहा है ना, इस एटामोस, एटम का शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया, डाल्टन साहब ने। और डाल्टन साहब ने क्या बोला, एटामोस, एटम को क्या बोला, एटामोस। एटामोस कैसा नाम है, ग्रीक नेम है। एटामोस का मतलब क्या होता है, इनविजिबल इनडिवाइडेबल सब्सटेंस पार्टिकल, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटामोस। तो एटम को ना देख सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट एटम के बारे में बोले, महर्षि कांदा। एटम को क्या बोले, परमाणु, और मॉलिक्यूल को क्या बोले, और सेकंड कौन आए, डाल्टन। डाल्टन साहब ने एटम को किस नाम से रिगार्ड किया, एटामोस। एटामोस कैसा नाम है, और इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, एटम होता है। कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं एटम के कितने कंसेप्ट का स्टडी करना है हम लोगों को, कंसेप्ट ऑफ एटम्स। एटम के दो कंसेप्ट होते हैं, एक कहलाते हैं क्लासिकल कंसेप्ट
और दूसरा काल आता है मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट को हम लोग ओल्ड कंसेप्ट के भी नाम से जानते हैं, और ओल्ड कंसेप्ट में हमको किस किस का मॉडल पढ़ना है, किस कौन कौन सा मॉडल पढ़ना है, ये पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा पढ़ना है जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, तीसरा पढ़ना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो दिए एक एक्सपेरिमेंट पे दिए, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा। अल्फा इस साइन को किस नाम से जानते हैं, अल्फा के नाम से जानते हैं, पार्टिकल होता है, क्लियर। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, एटम का कितना हमको मॉडल पढ़ना है, कंसेप्ट दो, एक क्लासिकल कंसेप्ट, दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में किसका किसका पढ़ना है, पहला पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा पढ़ना है जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, तीसरा पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो आया किस एक्सपेरिमेंट पे आया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रदरफोर्ड किसका डिस्कवर किए, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका। इस सारी पॉइंट का हम लोग पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे, क्लियर। मॉडर्न कंसेप्ट में किसका स्टडी करेंगे हम लोग, पहला बोर्स एटॉमिक मॉडल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल का ही स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत, चलो राइट करो इसको पहले। राइट कर लिया, अब रुक जाओ, हो गया, राइट कर लिया जी। इधर नहीं राइट किया, करो राइट जल्दी करो, इसको अभी राइट नहीं करेगा, रुक जाओ, अभी बता देंगे तब राइट करना। हो गया, हाँ।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहले हम लोग इसी का स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के द्वारा जो दिया गया मॉडल है वही मॉडल का हम लोग एप्लीकेबल है स्टडी करते हैं। जिसने नील्स बोर साहब ने दिया उसे क्या कहते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पे एटम का शेप कैसा होता है, राउंड होता है या नहीं तो ओवल। ओवल को किस नाम से जानते हैं, इलिप्स शेप के नाम से जानते हैं। क्लियर, यानी एटम गोलाकार संरचना होता है या नहीं तो ओवल संरचना होता है। क्लियर, एटम जो बने हुए हैं वो किस पार्टिकल के बने हुए हैं, एटम जिस पार्टिकल के बने हुए हैं उसको क्या बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी एटम जिस पार्टिकल्स का बना हुआ है उस पार्टिकल्स का क्या नाम दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या नहीं तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। और वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिक ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स कैसा पार्टिकल्स होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, तो ई के ऊपर माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, पी। अब प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पी के ऊपर क्या राइट कर दिया गया, प्लस। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या हो जाएगा, एन। और ये कैसा पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है, तो एन के ऊपर क्या दे दिया, नॉट। इस नॉट का मतलब क्या हो गया, चार्जलेस। क्लियर, यानी पहला पॉइंट क्या है, एटम का शेप कैसा है, इलिप्स शेप। सेकंड, एटम जिस पार्टिकल का बना हुआ उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है, या नहीं तो, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। क्लियर, अब देखो तीसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पे रहते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है। क्लियर, इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस में है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो न्यूक्लियस के बाहर में इस तरह से राउंड घेरे हुए ये ऑर्बिट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट को कई नामों से जानते हैं, ऑर्बिट को सेल के भी नाम से जानते हैं या नहीं तो इसे एनर्जी सेल के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो इस ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट में किसका चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस का। तो एटम का स्ट्रक्चर हो गया ये, एटम के बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर में कौन से पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट होते हैं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। कोई दिक्कत समझने में, सी पॉइंट, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को किस नाम से जानेंगे हम, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज
न्यूक्लियॉन्स। पूछेंगे आपसे कि न्यूक्लियंस किसे कहते हैं, क्या कहेंगे आप? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स नाम देते हैं। कोई दिक्कत? डी पॉइंट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन नेचर। न्यूक्लियस किस नेचर का होता है? चूंकि न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? चार्जलेस पार्टिकल है। और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस के अंदर का स्पेस किस चार्ज से इफेक्टेड हो गया? पॉजिटिव चार्ज से ना। तो न्यूक्लियस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स। किस कारण से है, किस कारण से पॉजिटिव है न्यूक्लियस? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? और प्रोटॉन? तो अंदर का जो न्यूक्लियस का स्पेस है किस चार्ज से इफेक्टेड हो गया? सो दैट न्यूक्लियस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत समझने में? फोर पॉइंट, देयर आर सेवन सेल और ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में टोटल ऑर्बिट और सेल की संख्या कितने होते हैं? सेवन होते हैं। क्लियर? और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट्स इन एन एटम इज नोन एज, किस नाम से जानेंगे? केरनल। ऑर्बिट का जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर में, उस अरेंजमेंट को किस नाम से जानेंगे? और केरनल का फर्स्ट लेटर क्या होता है? के। अब जैसे कि देखो, ये बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। और न्यूक्लियस के बाहर में क्या है? इस तरह से ऑर्बिट होंगे। कितने ऑर्बिट होंगे? सेवन, वन पूरा घेरे हुए होगा। क्लियर? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। ओके, ये सारा क्या कहलाया? ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट को इंग्लिश के एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, न्यूक्लियस को एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सात ऑर्बिट हो गए। टोटल ऑर्बिट की संख्या कितने हैं? और ये जो ऑर्बिट का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को किस नाम से जाना गया? और केरनल का फर्स्ट लेटर क्या है? सो दैट पहले सेल को क्या नाम दिया गया? उसके बाद अल्फाबीट में प्रयोग कीजिए, एल एम एन ओ पी और क्यू। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तुमको? टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं एटम में? सेवन। और सेल का जो अरेंजमेंट है उसको क्या नाम दिया गया? केरनल का फर्स्ट लेटर क्या होता है? सो दैट पहला सेल का नाम क्या दिया गया? उसके बाद अल्फाबीट का प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत समझने में? पांचवा पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। देखो तो नीचे वाला देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन बी
कैलकुलेटेड बाई 2n² जो ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिट में क्या है इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको किस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, जहाँ n बराबर किसको बोला गया, नंबर ऑफ सेल को बोला गया या ऑर्बिट को बोला गया, जैसे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मैक्सिमम शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल बराबर 2n² 2 × n बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल के लिए 1 हो जाएगा, 2 × 1² बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन 2 से कम रहेंगे, उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2² बराबर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आया, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड सेल बराबर 3 × 2² बराबर 18 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ सेल बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें। अब देखो पांचवें सेल में भी टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, छठे सेल में भी 32 इलेक्ट्रॉन और सातवें सेल में भी 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ध्यान देना। इस कैलकुलेशन के आधार पे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड सेल में, तीसरे सेल में, फोर्थ सेल में, और फोर्थ से लेकर के सातवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सो दैट चौथे से सातवें सेल को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट सेल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, पहले इसको उतारो फिर आगे के पॉइंट में हम आपको ऑन कर दो तो
अब देखिए इधर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मैटर, एटम, न्यूक्लियॉन्स, कर्नल, हो जाएगा? व्हाट डू यू नो अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्लियर हो जाएगा? राइट द पोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, क्लियर हो जाएगा? राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, 2n2, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, व्हाट्स आर परमाणु एंड अणु, क्लियर हो जाएगा? हु यूज द वर्ड एटम फर्स्ट टाइम, किसने यूज किया था? डाल्टन. न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कोई दिक्कत होगा बनाने में? बन जाएगा ये? ओके, बाय.